సంతానలేమి సమస్యతో బాధపడుతున్నారా? చింతించకండి. సుమారు 90,000 జంటలకు ఆనందం నింపింది ఒఎస్ఎస్ ఫర్టిలిటీ. ఈ రోజే 7825893600 కి కాల్ చేయండి. సంతానోత్పత్తి చికిత్సపై భారీ డిస్కౌంట్లు పొందండి. గుడ్ న్యూస్ చెప్పండి. दिन है कि 600 सालों बाद जो है फाइनली रामलला का टेंपल बन रहा है और ये हिंदुओं का कई सदियों का संघर्ष है जो ये भाग्यपूर्ण दिन जो देखने मिल रहा है हमारी जनरेशन को देखने मिल रहा है। मैंने अयोध्या पे एक स्क्रिप्ट भी लिखी है और मैंने पूरा इस पे रिसर्च किया है कि कितने सारे महान लोग तो अपनी उनकी जान तक चली गई ये मंदिर देखने के लिए, कितने सारे जो हमारे कार सेवक हैं उन्होंने अपनी जान दी है, कितने सारे लोगों ने ये केस लड़ा हुआ है और 600 साल से ज़्यादा का ये संघर्ष है, लेकिन ये अगर हो पा रहा है तो ये आज मोदी सरकार की वजह से हो पा रहा है और हमारे जो योगी जी हैं उनकी कृपा है, उन्होंने भी इस केस में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और फाइनली राइटफुली जो रामलला की जो जन्मभूमि है जहाँ पे हमारे सबसे बड़े नायक, हमारे सबसे बड़े, हमारे पूजनीय, हमारे श्री राम जहाँ पैदा हुए हैं और जो उनकी जन्मभूमि है, जो महाराज दशरथ का महल जहाँ था, जहाँ सीता जी की रसोई थी, जहाँ करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाएं जिस जन्मभूमि से जुड़ी हुई हैं, वहाँ एक भव्य मंदिर, जैसा कि मैं कहूँगी क्रिश्चियंस के लिए जैसा कि रोम है वेटिकन में, वैसे ही ये हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा और ऐसा भव्य मंदिर हम देखेंगे जो जिसकी सदियों सदियों तक हिंदू जो है कामना करते आए हैं और ये जो है एक हमारे देश का एक बहुत भव्य एक चिन्ह बन जाएगा पूरे पूरे विश्व में, हमारा एक सनातन संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत लिंग या चिन्ह आप मान कह लीजिए उसे बनेगा। तो ये सौभाग्यपूर्ण दिन जो है 22 जनवरी को आ रहा है जो प्रधानमंत्री जी आएंगे और हमारी फिल्म जो तेजस भी है उसमें भी राम मंदिर की एक भूमिका है, अहम भूमिका है, उसके लिए भी जो भारतीय वायुसेना पर आधारित फिल्म है उसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं। तो एक बार जोर से बोलेंगे जय श्री राम। ट्रैफिक जाम।